सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। और गाइज, आज इतना खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम अपने नए कबूतर फाइनली ले आए हैं। भाई साहब, हवा देख रहे हो गाइज कितनी ज्यादा तेज चल रही है। तो ज्यादा कबूतर तो नहीं गाइज, बस चार ही कबूतर मिले हमें हमारे, मतलब के वैसे तो लेने तो बहुत सारे थे बट हमें क्या करें, चार ही कबूतर दिखे। और बाजार इतना बड़ा लगा नहीं था, एक तो मैं पहली बार गया और पहली बार में मूड अपसेट हो गया क्योंकि बाजार ना भाई बहुत छोटा लगा हुआ था, मतलब कबूतर ना के बराबर थे और थे भी तो सिर्फ गोले कबूतर थे, फैंसी कबूतर तो बहुत कम थे। और आपने एक लक्की की जोड़ भी देखी होगी पिछली वीडियो में, तो भाई उसकी प्राइस पता है बहुत ज़्यादा बताए थे भाई ने, 4000 रुपये बोले। तो भाई 4000 रुपये के लायक नहीं था भाई वो कबूतर जोड़ा जो भी था, उससे अच्छा तो भाई हमारा ये रखा है, ये भी उतने का ही है। और ये तो भाई 700 रुपये का पियर था, 1400 रुपये का मतलब जोड़ा था पूरा, मतलब उसका डबल टिबल मांग रहा था भाई। अगर हाँ कम बताता तो हम उससे कुछ बोलते, उसने बताया इतने सारे कि हम लेके नहीं आए तो हमने छोड़ दिया, क्यों ना हम इधर से ही ले लेंगे फिर दोबारा। अपना फाइनली भाई नए कबूतर आ चुके हैं और आपने देख भी लिए होंगे, तो अभी मैं अच्छे से आपको, ये देखो एक कबूतरी बैठी हुई है और एक बैठा हुआ है और एक ऊपर बैठी हुई है, एक वहाँ कोने में बैठी हुई है, मतलब चार कबूतर मस्त है भाई। और एक कबूतर भाई कल पकड़ा भी है, वो रहा फुंसरा, देखो भाई गुटक रहा भाई, कबूतर बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। फिलहाल तो टाइम हो गया है अपना कबूतर को खोलने का, तो वही मैं कबूतर खोलने आया था, चार बज चुके हैं भाई, ठीक है तो फटाफट से कबूतर को देते हैं पहले खोल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यार टाइम हो जाता है जल्दी, इनको सिर्फ 1.5 घंटा मिलता है भाई घूमने को, फिर इसके बाद भाई मस्त अपना बंद हो जाते हैं, फिर वो वाले खुल जाते हैं, पेटी वाले भी खोल देते हैं मस्त अपने। चले गेट ना यार थोड़ा टाइट है, देखो यहाँ से आपको गैप दिख रहा होगा, ये ना ऐसे होना चाहिए अंदर की साइड हल्का सा, पता नहीं क्यों ये गेट ना तिरछा है, ये वाला तो एकदम बढ़िया, देखो ये वाला गेट बिल्कुल चिपका रहता है मस्त। चलो कोई नहीं, निकाल देते हैं, आओ आओ ऐसे खरीद के लाने यार मेरे को, और इनके लिए दो तो हैंगे मेरे पास। देखो जोड़ा लग गया भाई सबका, आपको गुड न्यूज़ दे दूँ मैं कि अपना इसका लाल वाले का जोड़ा भी लग गया अपनी इस कबूतरी से, ठीक है मस्त अपना। अब इसके भी पर खोल देंगे भाई जल्दी, ये पागल हो गया अपनी कबूतरी पीछे। और सफ़ेद वाली का भी जोड़ा लग गया है और इस हरे का ही जोड़ा नहीं लग रहा भाई, पता नहीं क्या सिस्टम है, और उसका जोड़ा लगाना है भाई, अब उसके लिए भी मादी ना आ गई है मस्त। और गाइस अभी अपने नए वाले कबूतर ना खुल नहीं सकते क्योंकि भाई उनके पर ना खुले हुए हैं, तो उनके पर ना या फिर काटने पड़ेंगे या फिर बांधने पड़ेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ गाइस काट ही देते हैं क्योंकि वो कबूतर अभी नहीं उड़ाएंगे, अभी और कबूतर इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर उनको उड़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी कबूतर भी कम है, अभी और कबूतर भी लाने हैं तो उनके पर काट ही देंगे। और वैसे भी भाई वो कबूतर उड़ने वाले नहीं है, उसमें एक ही कबूतर उड़ने वाला, दो कबूतर नहीं, तो भाई वो सारे ना बस फैंसी के बस देखने लायक ही कबूतर है, वो बस उड़ नहीं सकते, बस ऊपर नीचे ही कर सकते हैं। वो काले का जोड़ा देखा होगा आपने, वो बस वो ऊपर नीचे ही कर सकता है, वो उड़ नहीं सकता कभी भी, तो इस वजह से गाइस बस उनके पर ना काट देंगे अपना मस्त भाई, फिर कुछ दिनों बाद उनके पर ला देंगे, फिर अपने आप ही सही हो जाएंगे। इनका जोड़ा पता नहीं कब लग के देगा भाई, इन दोनों का ये पता नहीं कब जोड़ा लगाएंगे अपना, वो कबूतरी वो बैठी नर ये बैठा, तो कबूतरी आज कम लंगड़ा रही है क्योंकि मैंने कल दवाई दे दी थी, आज फिर दे दूंगा अपना मस्त भाई, फिर कुछ दिनों बाद उनके पर ला देंगे, फिर अपने आप ही सही हो जाएंगे। इनका जोड़ा पता नहीं कब लग के देगा भाई, इन दोनों का ये पता नहीं कब जोड़ा लगाएंगे अपना, वो कबूतरी वो बैठी नर ये बैठा, तो कबूतरी आज कम लंगड़ा रही है क्योंकि मैंने कल दवाई दे दी थी, आज फिर दे दूंगा। भाई जस्ट अभी मैं छत पर आया हूँ बिकॉज कबूतर को दाना देने का टाइम हो गया था, नए कबूतर लाया हूँ ना, तो उनके पर काटने का भी सोचा था मैंने, तो अभी जा रहा था मैं पर काटने, और जैसे ही मैं छत पर गया ना मुझे देख के कबूतर उड़ने लग गए, और एकदम से मेरी नजर गई छत पर, एक कबूतर बैठा हुआ आज फिर भाई, जंगला कबूतर बैठा हुआ भाई, गोला बहुत तगड़ा कबूतर, देखो ऊपर ही बैठा हुआ है, ओए होए बड़ा ही प्यारा खूबसूरत कबूतर है भाई, लेकिन बहुत को दीपू भाई कबूतर पकड़ लूं तो फोन करता हूं, और बहुत थका हुआ लग रहा है, उतरने का तो चांस कम ही लग रहा है, पानी दिखा रहे हैं नीचे, पानी पे आ जाएगा तुरंत, पहले एक बार दाना मार के देख, रुक जा कबूतर उड़ जा रहे हैं, दाना मारिए रहा दाना, तेज है भाई कबूतर बहुत, डोंगा देख यही होगा ऊपर ही रखा होगा, देख उड़ेगा रंजन, उड़ेगा, उड़ गया उड़ गया उड़ गया रंजन, उड़ गया उड़ गया, आ आ आ पानी आ गया क्या उसमें, उड़ गया रंजन, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, आ आओ रंजन जल्दी दिखा, उड़ जाएगा, उड़ने ही कर रहा है, आ आओ, तो बहुत तेज कबूतर है यार, आओ गोला है भाई वो, उड़ जाएगा मुझे तो लग रहा है, रोटी वोटी लिया मैं तो, उड़ जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उड़ी गया उड़ी गया भाई, ले लो कब से बैठा हुआ था, मुझे क्या पता है, मैं तो अभी आया हूँ, बहुत ज्यादा अपने आप ही बैठा हुआ था भाई, चला गया देखो, मुझे लग ही रहा था उड़ जाएगा क्योंकि हरकतें बहुत तगड़ी थी उसकी, भाई गोला है वो भटक गया घर अपना, बजे बजे सब डल ली थी उसके, चलो कोई नहीं जान दो को ना पर काट देते हैं, हम सोच रहे हैं कि मादिन के ही काट देते हैं, इसके तो कटे हुए हैं हल्के हल्के और काट देते हैं बिल्कुल, एक कुंदे एक कुंदा और ये हल्का हल्का छाट दियो,
और इसके भाई छोड़ देते हैं ये, क्योंकि भाई अपनी मादन के पीछे ना बिल्कुल ही पागल है। देख रहे हो कितना ही खूबसूरत लग रहा है भाई, ये उड़ नहीं कर रहा है तो ऊपर है। लो भाई पर काट दिया रंजन ने, ले काट, इसको ही झाड़ना है बस। इतना रहने दो भाई, जब पेटी वेटी में चढ़ जाए बैठ जाए मस्त अपना। जिस भाई के पास थी उन्होंने भी कैच कर रखी थी, बस सही से नहीं कर रखी। लेकिन नर देखो हो रहा, और माद ही नहीं रही। देखो देखो अभी उड़ के आ जाएगा भाई यहीं तुरंत, देखना। देखो ये बंदा जो है पूरा मादिन के पीछे लटका हुआ है। ये देखो भाई नीचे, देखो तुरंत नीचे कूदेगा। ये देखो अब बड़ा ही प्यारा जोड़ा है भाई हकीकत में। ये देख रहे हो बिल्कुल पागल है इसके पीछे, और छत की रौनक बढ़ा दी भाई इसने पूरी। अलग ही चमक रहे दोनों, मुंडी सफेद है बाकी पूरा काला। गाइस ये अपनी एक सफेद कबूतरी दिखाइए एक बार इसे, वहाँ पे सन से देखा नहीं ना, तो बाकी देखो भाई एक सफेद कबूतरी निसावरी, इसको छत पे छोड़ेंगे ना, और इसका जोड़ा किससे लगाना है वो भी बता देंगे बाद में, ठीक है भाई। फिलहाल इसके पर काट देते हैं, पहले इसके ना दो छोड़ दियो, ज़्यादा मत काटियो, इतना कर दियो ऊपर नीचे बैठ सके, कहीं ज़्यादा हिली भी हो सकती है भाई। और क्या गर्दान हुई तो दूसरे साइड की भी काट, इसके पर भी आ ही रहे हैं अभी भाई, ठीक है झाड़ करके। अभी देखो फुंसरा पागल हो गया अपनी मादिन के पीछे, उसका जोड़ा क्या लग गया कौन, उसको ये पर खोल के खींचना है अभी। बाकी इसको भी छोड़ देते हैं भाई, लोग पर ही पर हो गए छत पे, छोड़ दो छोड़ दे। ये लो भाई छोड़ दी, बाजू फर्क है क्या इसके, इनका पता नहीं फड़का के नहीं देखा तुमने वहाँ पे वैसे। ये बात तो है लेकिन खूबसूरत है, खूबसूरत है। देखो भाई पाँव पे पूरे बाल ही बाल है सारे कबूतर, देखो पूरे। और उसका जोड़ा ना मुझसे लगाएंगे जो पेटी के अंदर है। कमेंट करके बताना भाई कैसी लगी आपको। तो गाइस एक एक कबूतर हम पे कांवरा पकड़ना, हाथ बात तो पकड़ कम से कम इसके। ये लो भाई दो पकड़ छोड़ दिए दो, बड़ा ही खूबसूरत है भाई ये भी। बस ये भाई ने दे ही दिया, बड़ी जिद करी तब जाके दिया लास्ट में, वो भी जा ही रहे थे शायद और क्या, तभी दे दिया ना। हमने वैसे बोला काफ़ी देर पहले ही था, बट मना कर दिया था, कह रहे नहीं भाई चलो भाई इसको भी ले लेते हैं और कैच कर देते हैं भाई जल्दी से। भाई मेरी छत बन जाए ना ऊपर वाली, सबको ऊपर ही शिफ्ट कर दूंगा। लो भाई कैच हो गया ये भी, और इसको नीचे छोड़ दे। ये लो भाई बड़ा ही खूबसूरत लग रहा भाई छत पर, देखो अलग ही चमक रहा है। गाइस हमने सभी को तो कैच कर ही दिया है, आपने देख लिया ठीक है। बाकी अभी रंजन अपनी वीडियो शूट कर रहा है, और आपने देखा भाई कबूतर भी बैठ के उड़ गया अपनी छत से। तब इनको भाई पेटी में शिफ्ट करना है बस, ठीक है, और पेटी में रखेंगे अभी इनके लिए। पेटी के लिए कुछ रख वो लेके आने डोंगे खरीद के, तो वो खरीद के लाएंगे अभी डोंगे। वो फुंसरे को पकड़ लिया रंजन, उसको कैच कर देना यार उसको भी, अपना मादिन के पीछे वो भी पागल हो रहा है क्योंकि। बस रंजन ने पकड़ लिया है, और इसको भी पर खोल के इसके ज़्यादा मत काटिए, इतना कर दियो कि ऊपर बैठ जाए अपनी मादिन को देख के। हिलाओ ना हिलाओ इसकी मादिन की परंत हो गई, ऊपर बैठ जाती है बेचारा, मुँह देखता रहता है नीचे। इसके दो दो साइड के छोड़ दो, बीच के थोड़े ही काटियो, इतना कर दे ये उड़ ना पाए, इधर उधर बैठ ही सके बस ये भाई, क्योंकि अभी थोड़ा पुराना हो जाएगा ना तो पर उखाड़ देंगे इसके बाद में। नहीं काटे। और उसके भी काटने हैं लाल के, वैसे है तो उसके पुराने ही नहीं, तो पुराने कबूतर ही होंगे भाई, कन्फर्म नहीं है उसके। भाई पुराने ही लग रहे हैं शक्ल सूरत से तो ये सारे। लो भाई अपना नया जोड़ा देखो कहाँ घूम रहा है, आज के पीछे पीछे चला गया आगे, आज ही आया, आज ही देखो कहाँ जा रहे हैं पहली बार में ही। ओ ले नीचे गिर कूद गया तो अपने आप ही, क्यों नर क्यों कूद गया पागल कहीं का, मादिन तो उसकी ऊपर ही है, नर क्यों कूदा भाई। और मादिन को बुला जस्ते से, आओ 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 आओ, वो देख लो भाई क्या खाने गया है, वो कहाँ ऊपर आ जाएगा उड़ के, आओ आओ आओ, मादिन को देख के ऊपर आ जाएगा, आने कर रहा नहीं कर रहा, उड़ेगा उड़ेगा, आ गया, आ ही नहीं पाएगा अभी, कैच आ ही नहीं पाएगा ये पागल, हाँ दिमाग लगा इस बाउंड्री पे बैठ के तो आ जाएगा। भाई कूदा क्यों भाई, मेरे तो ये नहीं समझ में आया, अपने आप ही वो उड़ के खुद ही ऊपर भी आ गया अपनी मादिन के पीछे, इतना पागल है भाई। एक मंजिल है कैच में ही ऊपर आ गया उड़ के, तो देखो देखते ना भाई उस टाइम लाइव आप भी क्या थे, क्या सीन है भाई इसके पीछे एकदम ही लट्टू है, इसको चाहे हम गली में उतार देना गली में भी उतरने को राजी है। अब मादिन जहाँ जाएगी ये नर उसके पीछे है भाई, ठीक है। फिलहाल तो मैं दाना दे रहा हूँ अभी कबूतरों को, ओ भाई नर भी गुटकने लग गया कांवरा। अभी भाई जोड़ा इनका इतनी जल्दी नहीं लगेगा इस सफ़ेद वाली का, क्योंकि एक दो दिन लगेगा टाइम अभी इसको छत पे घुल मिल जाने में। जैसी छत पे थोड़ा एक घुल मिल जाएगी ना, फिर इसके बाद इसका भी जोड़ा लगा देंगे मस्त अपना, इस सफ़ेद वाली का अपना मस्त ये भी हो जाएगी। बाकी इन सबका जोड़ा लग गया, जिसका हम लगाते हैं फुंसरे का लग गया है, उस लाल का भी लग गया है। अभी तो उन जोड़ों का इंतजार हो रहा है, ये आ जाए छत पे।
सो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे और कल जो है मैं एक चीज भूल गया बताना कि अपने कबूतर जो है कितने रुपए पर लेकर आया हूँ। तो भाई हवा तो इतनी ज्यादा तेज चल रही है ना, मजा आ रहा छत पर खड़ा होने में। अब सोचोगे कहीं बताया नहीं इस वीडियो में, तो सोचोगे कहीं टॉपिक के चक्कर, मतलब कंटेंट के चक्कर में भाई इस वीडियो में भी नहीं बताया। सोचा क्यों ना बताया, तो मैं भूल गया वैसे गाइस, कल मैं बताने वाला था, बस दिमाग से ही उतर गया था। मैंने सोचा कोई नहीं आज बोल देता हूँ, पर आज बता देता हूँ। अपने नए कबूतर तो आपने देख ही लिया गाइस, ठीक है। तो अपने इस काले के जोड़े से ही शुरुआत करते हैं, जो कि बताना गाइस आपको ये वाला जोड़ा कैसा लगता है अपना। और बड़ा ही गजब है और बिल्कुल ही पागल है अपनी कबूतरी के पीछे, अपनी कबूतरी के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा प्यार है इसको। तो बाकी ये जो हमें जोड़ा मिला है ना गाइस, ये हमें 1500 रुपये में मिला है। और बताना गाइस कैसा है जोड़ा, इस जोड़े का नाम बता देना। पता नहीं रंजन क्या नाम बोल रहा था, ये ना भाई अपनी गर्दन ना हिलाते रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और बड़ा ही प्यारा जोड़ा है, खूबसूरत है ही। बाकी अपना जो ये वाला कबूतर है गाइस, कांवरा कबूतर कहते हैं शायद इसे, तो ये वाला भाई कबूतर एक नंबर है, जिसे कहते हैं ना हर चीज़ में खूबसूरत है ही है, और बदन से भी सही है, मतलब गुटकता भी ज़बरदस्त है, सब चीज़ बढ़िया है इसका। तो ये वाला हमें मिला है सिर्फ 500 रुपये का भाई, 800 रुपये मांग रहे थे, 500 रुपये में हमने लिया है। अब वो वाली जो कबूतरी बैठी है निसावरी, थोड़ी फैंसी है, वो भी अपने इस वाले कबूतर के लाए हैं, बिल्कुल सेम है बिल्कुल, बस इसकी आँखें अलग है, वो मकोई है, ये जरचा है, कोई नहीं चल जाएगा इतना तो। बाकी दिखते तो सेम ही है ना, जोड़ा सेम ही लगता है। तो ये वाली कबूतरी जो है गाइस हमें 350 रुपये बोल रहा था, तो 300 रुपये में दिया है भाई। बंदे रेट ना बहुत ज़्यादा बताते हैं, वहाँ पर बार्गेनिंग करनी पड़ती है, और कल इतना बाजार अच्छा भी नहीं लगा था वैसे। आप सब भाइयों के मैंने कमेंट देखे पिछली वाली में, तो भाई आप बोल रहे थे कि भाई आपने लक्की की माध्यम तो ली नहीं, भाई हम ढूंढ रहे थे भाई, बट मिलेनियम पैसे वापसी लिया है, कोई नहीं हम अगली बार जब जाएंगे ना तो लेकर आ जाएंगे। कोई भी ढंग का कबूतर नहीं था भाई, लखा था लेकिन वो भी नर निकला था, और एक जोड़ा भी लेके आया था, अपने वीडियो में देखा होगा लखे का, तो वो देते भी तो भाई पूरा जोड़ा ही देते, और भाई उसकी रेट भी इतना बताया कि हम उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने भाई रेट पता कितना बताया, 4000 रुपये बताया उस सिर्फ एक पियर का। तो बताना भाई सही था कि गलत था भाई वो रेट एकदम, ठीक है। क्योंकि भाई वो बोले जोड़ा लगा लगा, यार जोड़ा तो कहीं भी लग जाता है, कैसे भी लग ही जाता है जोड़ा, कोई आम मुश्किल काम तो ना जोड़ा लगाना है। यार मैं तो ऐवी लगा देता हूँ जोड़ा, किसी का भी लग जाता है बड़े प्यार से। देखो मैंने उस दिन लगाया, सबका लग गया जोड़ा। बाकी पता नहीं क्या, हम कबूतर लेने गए ना वहाँ पे, तो सब बोले कि भाई जोड़ा लगाया लगाया भाई, इतने का मतलब जोड़ा लगाने के बाद ना रेट बढ़ा देते हैं वो सब, क्योंकि मैं पहले कभी गया भी नहीं हूँ, और ना कभी मैंने कबूतर ऐसे सेल किया बाजार में, मतलब यहीं आसपास में। भाई रंजन ग्रुप से बुला लेता है भाइयों को, और उन्हीं को हम सेल कर देते हैं। बाकी बताना गाइस वीडियो कैसी लगी। हमने कल जो है कबूतरों को कैच कर दिया, क्योंकि कबूतर अभी इकट्ठे कर रहा हूँ ना, तो अभी पर तो खोलेंगे नहीं, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो सबके पर उखाड़ देंगे और परंत कर देंगे। अपनी नई वाली छत बनवाने की सोच रहा हूँ, जो मैंने बोला था जब बन जाएंगे ना, तो ये सब ऊपर ही जब चलेंगे तो सबके पर दे दूंगा। अभी मैं नहीं दे रहा क्योंकि सेटअप वेटअप चेंज हो जाएगा, इस वजह से नए भी कबूतर है, कबूतर भी अभी कम है। फिलहाल बताना गाइस कबूतर कैसे लगे, और कबूतर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना, और ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है। बाकी मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।